ब्राजील की ये येलो जर्सी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, ना कि सिर्फ लोगों के बीच में, कंपनियों के बीच में भी। इसीलिए 1996 से अभी तक नाइक इस कंट्री को स्पॉन्सर करता आ रहा है। लेकिन इस बार ब्राजील के खुद के लोग ये जर्सी पहन के अपने टीम को वर्ल्ड कप में सपोर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा क्यों, ये बताने से पहले आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपना फीडबैक दे दें कमेंट सेक्शन में कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए आगे भी लाता चलूं। ब्राजील में इस हालत का कारण सिर्फ दो है। पहला, उनके खुद की नेशनल टीम, और उनके प्लेयर्स ने अपने फैंस को इग्नोर किया है। ब्राजील के अंदर एक फुटबॉल मैच एक फेस्टिवल की तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर फुटबॉल मैच सुबह हो रहा है तो उसे लोग होली की तरह मनाएंगे, और अगर वो रात को हो रहा है तो दिवाली की तरह। इतना ज़्यादा लोग क्रेजी हैं फुटबॉल के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेशनल टीम को वो सपोर्ट करने जाते हैं। लेकिन अब उनकी नेशनल टीम और उनके प्लेयर्स अपने फैन की तरफ वो प्यार दिखाते ही नहीं हैं। ब्राज़ील के जितने भी नेशनल प्लेयर हैं उनमें से कोई भी आज उनके नेशनल लीग में खेलता नहीं है, सारे के सारे यूरोपियन लीग के अंदर खेलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नेशनल सुपरस्टार को अपने कंट्री के अंदर खेलता हुआ नहीं देख पाते। और जब नेशनल मैच होता है वो भी अपने कंट्री में नहीं वो करते। जो रीसेंट 11 मैच हुए उसमें से सिर्फ एक मैच ब्राज़ील के अंदर हुआ, बाकी 10 के 10 ब्राज़ील से बाहर हुए, जिसकी वजह से फैंस अब अपने प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके खुद के प्लेयर्स और उनकी खुद की नेशनल टीम उनको इग्नोर कर रही है और वो प्यार नहीं दिखा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। दूसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल है। ब्राज़ील के अंदर काफ़ी लंबे समय से करप्शन का प्रॉब्लम चलता आ रहा है। 2014 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर भी करप्शन था, तो लोगों ने करप्शन के सामने अपना आवाज़ उठाने के लिए ये येलो जर्सी पहन के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये येलो जर्सी एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बन गया। और उसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट को बाद में रिज़ाइन भी करना पड़ा। बाद में भी कई सारे प्रोटेस्ट में ये येलो जर्सी का इस्तेमाल हुआ। रिसेंट टाइम में ब्राज़ील के एक्स प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने, जो अपने रिसेंटली अपना इलेक्शन हार गए, उन्होंने ये येलो जर्सी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ना कि उन्होंने, उनके समर्थक ने भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। उनके हर रैली में लोगों ने यही जर्सी पहना और लोग इस तरह से डिवाइड हो गए, यानी कि जो लोग येलो जर्सी पहन के किसी प्रोटेस्ट में या किसी रैली में जाते थे उनको बोल्सोनारो का समर्थक माना गया, और जो नहीं पहन के जाते थे उन्हें अपोजिशन पार्टी का माना गया। और ना कि लोग, ब्राज़ील के प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे। नेमार बोल्सोनारो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो फॉर्मर कई सारे प्लेयर्स हैं ब्राज़ील के, उन्होंने बोल्सोनारो के खिलाफ कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ लोग, प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे, और ये येलो जर्सी पहन के वो अपने टीम को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम में कई सारे पॉप आर्टिस्ट ब्राज़ील के सामने आए हैं इस येलो जर्सी के सपोर्ट में, और लोगों के बीच में फिर से वो इस येलो जर्सी के लिए प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है लोग उसमें अपने कंट्री को यही येलो जर्सी पहन के सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।